नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ तहसील फातिमा। आपको लिए चलते हैं जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा है। 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। सीधा वही लिए चलते हैं। पहुंचे हुए सिद्ध योगी और संत अपनी ध्यान की चरम अवस्था या तुरी अवस्था में जिस प्रकाश पुंज रूपी ईश्वर का दर्शन करते हैं, उसी परमात्मा रूपी तेजस्वी प्रकाश का मंच पर आह्वान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंचस्थ विभूतियों को कि आए और इस कार्यक्रम का परंपरागत दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। विधायक
रायपुर उत्तर श्री श्री चंद्र सुंदरान जी का स्वागत करें। माननीय कुलपति से निवेदन की श्री सुब्रत साहू जी का स्वागत करें। हथेली पर सूरज उठ जाता है, सुना था देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उठ जाता है, देख लिया। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को पंख लग गए, मानो अच्छे इंसानों के साथ कैसे जहाज उठ जाता है, देख लिया। आज अति शुभ दिन है जिसमें हम सभी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के साक्षी बने हैं। साथ ही एक बात और है कि आज हमारे नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया जाना है। हमारे नवीन भवन की भव्यता व शोभा देखते ही बनती है। हमारा नया भवन 45 एकड़ में निर्मित है, जो हितायतुल्ला लॉ विश्वविद्यालय एवं इससे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग ब्लॉक एवं एपिडियोमियोलॉजी ब्लॉक भी शामिल है। ये पंक्तियां समर्पित है लोक निर्माण विभाग के उन मेहनतकश अधिकारियों के नाम और माननीय मंत्री जी के भी नाम। काश मेरे हाथ में आसमान होता, देने का मन करता है, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आप लोगों ने बंजर जमीन पर चंदन लगा दिया दोस्तों, आपकी मेहनत लगन दिलो जान लुटा देने का मन करता है। श्री पवन अग्रवाल, श्री प्रभात सक्सेना, श्री टी आर वर्मा ने इस भवन को निर्मित किया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा महोदय, आप सभी से निवेदन करता हूं कि बटन दबाकर हमारे नवीन भवन का लोकार्पण करें। पद्मश्री डॉक्टर एम पी पांडे सर,
एमेरिटस प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर एस आर गुप्ता सर और प्रोफेसर आई एम सेठी सर, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं पद्मश्री डॉक्टर ए टी दास सर को, जो हमारे पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। न भीड़ पसंद हो जिनको, वो अक्सर तनखा चलते हैं। रोशन करने की किस्मत सबको, सूरज की तरह वो चलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर, वो कभी न पीछे मुड़ते हैं। पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक मिलते हैं। हम आमंत्रित करते हैं पद्मश्री डॉक्टर एन पी पांडे जी को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी एवं माननीय कुलाधिपति महोदय से सम्मान करते हैं। जिंदगी में यदि कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पत्ती और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित पद में, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। हम आमंत्रित करते हैं एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर एस आर गुप्ता जी को कि वे केंद्रीय मंत्री माननीय जे पी नड्डा जी से सम्मान करें। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और जब ये तीनों मिल जाए व्यक्ति को तो उसे हर जगह सम्मान देती है। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आई एम सेठी जी को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय कुलाधिपति महोदय से सम्मान करें। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिनको जिंदगी ने बार बार आजमाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, और वही हुए हैं कामयाब जिंदगी में और उन्हीं ने इतिहास बनाया है। प्रोफेसर आई एम सेठी साहब, जब समय और अंतरिक्ष आपस में टकराए तब एक बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग और हिंदी में महानाद की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ भी इसी ध्वनि से हुआ। और आज के कार्यक्रम का परंपरागत शुभारंभ करने के लिए मैं आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर के तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलाधिपति जी से द्वितीय दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की अनुमति करने का आग्रह करें। मैं डॉक्टर के तिवारी कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं डॉक्टर के एल तिवारी कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। अनुशासन वह डोर में जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में मदद करती है। जैसे डोर के बिना पतंग नीचे गिर जाती है, वैसे ही अनुशासन के बिना हम असफल हो जाते हैं। अनुशासन की नींव पर टिका हुआ संसार, आस और विश्वास से मिले प्रगति आधार। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जी बी गुप्ता से अनुरोध करता हूँ कि वे उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को अनुशासन दें।
मैं इस प्रकार अनुशासन देता हूँ, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो अनिंदित कर्म है उनका आचरण करना औरों का नहीं, यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही चिकित्सा शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार आचरण करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। नव प्रभात का नवल प्रकाश दिव्य दृश्य से उपमोद का भ्रांत हुई ये मेरी दृष्टिया, उदय हुआ नवजीवन का। आज जो छात्र छात्राएं उपाधियों से अलंकृत हो रहे हैं, नया जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। अब माननीय कुलपति डॉक्टर जी गुप्ता सर माननीय कुलाधिपति से उपाधि प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध करें। मैं डॉक्टर जीबी गुप्ता, कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उपाधि धारकों को प्रस्तुत करने हेतु कृपया अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सर। अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय डॉक्टर मीना गोयल आमंत्रित करती हूँ कि वे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी वर्ष 2014-15-16 के छात्रों को माननीय कुलपति जी के समक्ष उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती मीना गोयल अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय की ओर से आपके समक्ष कुल 38 छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करती हूँ जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें यह उपाधि प्रदान की जाए। अधिकार से हम इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अपने आचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करें। नमिता श्रीवास्तव, नुपुर श्रीवास्तव, शेष नारायण चंद्राकर, प्रवीण कुमार बंजारे, दीप्ति गौतम, संगीता खरे, दीपिका नेर कुमार, विशाखा चौंटके, विवेक गोयल, नेहा चंद्राकर, बोनीबेन हेब्रो, सुरभी बंजारे, अर्णव मुखर्जी, सम्राट वर्मा, अंकित पुरोहित, नेहा भागवत, अशोक कुमार वर्मा, शंभुनाथ भोई, दीपिका ध्रुव, अजय सिंह ठाकुर, मधुबाला मुलकरवार, नित्या ठाकुर, चंद्रशेखर इंदौरिया, ओंकार प्रसाद कश्यप, रोशनी लालवानी, हरीश कुमार, पीयूष भार्गव, स्मिता वर्मा, सुमित ध्रुवे, अनमोल मधुमित, आशीष बघेल, प्राची दुबे,
मनीषा खांडे, रोहित खंडेलवाल, अमृता, कविता, स्वाति हिरवानी, रजनी ठाकुर, तालियां बजती रहे जब हमारे साथ है। इन छात्रों ने बड़ी कड़ी मेहनत से उपाधि प्राप्त की है, तालियों से उनका उत्साह बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र हैं डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से ये उपाधि प्राप्त की है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यदि उनकी खुशी में हमारी तालियां भी सम्मिलित हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से उनका उत्साह और बढ़ जाता है। डॉक्टर मीना गोयल अधिष्ठाता जी के साथ संकाय से अनुरोध है कि वे मास्टर सर्जरी एमएस 2014-15-16 के छात्रों को उपाधि प्रदाय करने हेतु माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जी वी गुप्ता सर के सामने प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती मीना गोयल अधिष्ठाता चिकित्सा संकाय की ओर से आपके समक्ष कुल 21 छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करती हूँ, जो मास्टर ऑफ सर्जरी की उपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग प्रमाणित किए गए हैं। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें यह उपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के अधिकार से हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य ज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की मास्टर ऑफ सर्जरी की उपाधि प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अपने आचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करें। अनिल कुमार जायसवाल, अंकुला बनलांगे, सुहागनी मुर्मू, सोनल दुबे, प्रियंका जोशी हरे, चंद्रकांत दीवान, नोमिता सिंह, नेहा सिन्हा, नेहा ठाकुर, जस्टिस सालवटकर, गोपी कृष्ण पटेल, नाजिया बेगम, नेहा गंगेश्री, संजय नाहा, चंद्रधर वरिया, उमा शंकर पटेल, महेंद्र कुमार दुबे, राकेश कुमार राय, सुखलाल निराला,
नरेंद्र कुमार साहू, सुरेश नोएल रंगा, की ओर से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी एमडीएस वर्ष 2014-15-16 की उपाधि प्रदाय करने हेतु छात्रों को माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती मीना गोयल अधिष्ठाता दंत चिकित्सा संकाय की ओर से आपके समक्ष कुल 44 छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करती हूँ जो मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की उपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं। माननीय कुलपति से मेरा निवेदन है कि इन्हें यह उपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय कुलपति के अधिकार से हम इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य ज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की उपाधि प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अपने आचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करेंगे। अनुराग तिवारी, अखिलेश, राकेश कुमार जायसवाल, नितिन कुमार, मनसीत कौर रंगी, गांधे सितेश ओंकार, ऋतुराज केसरी, अदिति जैन, अंजलि गुप्ता, अंकिता सिंह, भावना गोयल, सोनम गुप्ता अग्रवाल, रौनक सिंह, रवीश कुमार सुगानी, स्वाति प्रसाद, रचिता जैन, पीजा खान, अनुराग मिश्री, लावण्या अभय अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, वंदिता अग्रवाल, अमित कुमार उपाध्याय, आर्यन शर्मा, डूंगे रोशन प्रभाकर, पारुल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत कश्यप, संकेता, आशीष सोनी, अमित नाथा, वर्षा गोस्वामी, विश्वजीत दास, प्रियांशी नारंगे, राकेश शर्मा, चंद्र कुमार मक्सपाल, माधुरी खंडेलवाल, अहमद सैयद मुशवी, निहार रंजन नायक,
छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करती हूँ जो डिप्लोमा चिकित्सा संकाय के
पत्रोपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें यह पत्रोपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के अधिकार से हम इन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की डिप्लोमा चिकित्सा संकाय की पत्रोपाधि प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अपने आचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करें। अभिषेक राहुल भाविस्ताले, नरेश बाटवानी, अभिषेक उपाध्याय, राकेश कुमार साहू, पंकज साहू, बी यादव राव, आशीष साहू, मधुकर, प्रतिभा शर्मा, शिंदे रवि दौलत, असल में वही लोग जीवन की चाल समझते हैं जो सफर में धूल को गुलाल समझते हैं। मैं डॉक्टर संजय पांडे अधिष्ठाता होने चाहिए नर्सिंग समुदाय की ओर से एमएससी नर्सिंग 2014-15-16 की उपाधि प्राप्त करने हेतु माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करें। कुलपति महोदय, मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे अधिष्ठाता होम्योपैथिक नर्सिंग संकाय की ओर से आपके समक्ष कुल 55 छात्र छात्राओं को प्रस्तुत करता हूं, जो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की उपाधि के लिए विधिवत परीक्षित होकर उसके योग्य प्रमाणित किए गए हैं। माननीय कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें यह उपाधि प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के अधिकार से मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर की मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की उपाधि प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अपने आचार और व्यवहार से आजीवन इस उपाधि के गौरव की रक्षा करें। अर्चना प्रदान, राकेश कुमार, ज्योत्नानंद, निशा प्रकाश, रीमा भगत, चंद्रकांता साहू, मेघा परगनिया, विकास लाल, प्रमिला मार्टिन, जीवन लाल, नितिन सन्नी, सुनंदा स्वाति सिंह, प्रमिला खालको, एकता भक्त, जया धीवर, उमा पांडे, अनुराग छत्री, दिव्या भोरे, कुमुद चंदन, ओमेश्वरी चंद्रा, लिपिका जोशी, लता पुरोहित, श्रीमती पुष्पलता सोनभद्रा, स्वप्ना गवांडे, प्रियंका येरेवार, बसंती खंगारी, अनिशा सारा इक्पेन, एमदा ठाकुर, अपेक्षा दुबे, जॉबी पाल, रंजना सोमवानी, श्रीमती मंजुलता नारंग,
राजेश अवस्थी, श्वेता स्वर्ण, लवीना प्रसन्नो, स्वर्णिल लोहा, रीता साहू, नौशाद अली, प्रेरणात्मक विचार के अनुसार चाहे मेरा अनुभव एक नन्हे बिंदु के समान ही क्यों न हो, लेकिन इस बिंदु में जीवन है, प्रकाश है। अब हम आदरणीय कुल सचिव महोदय से अनुरोध करते हैं कि अन्य सभी उपाधियों के लिए छात्रों की अनुपस्थिति में प्रस्तुतिकरण करें एवं माननीय कुलपति से अनुरोध है कि वे इन उपाधियों का वितरण करें। माननीय कुलपति महोदय, मैं डॉक्टर के एल तिवारी कुल सचिव आपके समक्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए सत्र 2014, 2015 एवं 2016 में जो छात्र विधिवत परीक्षक होकर उनके योग प्रमाणित किए गए हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन कक्षाओं की उपाधि प्रदान करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 7140 है। इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के अधिकार से मैंने हम आदेश देते हैं इन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाए। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते हुए दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। सफलता की राह चलना आसान काम नहीं, क्योंकि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। रास्ते पर जगह जगह खतरनाक कोण होते हैं, कई जगह भ्रम और समंजस के चौराहे होते हैं, निराशाओं की गहरी ढलान होती हैं और परेशानियों की ऊंची चढ़ाइयां भी होती हैं। लेकिन परेशानियों के इस रास्ते पर भी आसानी से चला जा सकता है यदि हमारे पास गाड़ी हो संकल्प की, उसमें पहिए लगे हो हौसलों के, उसमें ईंधन भरा हो प्रण का,
इंजन लगा हो कर्म का, जिसकी स्टेरिंग हो विश्वास की और एक्सीलेटर हो उत्साह का। इस गाड़ी के टूल बॉक्स में मेरी धैर्य, एकाग्रता, ईक्षा और आशा के औजार मौजूद हो तो ऐसी गाड़ी को बुद्धि के साथ लक्ष्य निर्धारित कर दौड़ाया जा सकता है और शीर्ष सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर श्रीमती एन के गांधी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वर्ण पदक के योग्य घोषित छात्रों के नामों की घोषणा करें तथा माननीय अतिथि से अनुरोध है कि वे इन छात्रों को स्वर्ण पदकों से अलंकृत करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ आपके समक्ष उन छात्र छात्राओं को एक के बाद एक प्रस्तुत करती हूँ जिन्होंने विश्वविद्यालय की सन 2013-2014 एवं 2015-16 की विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अथवा जिन्होंने विषय विशेष में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। कुलाधिपति महोदय जी से मेरा संगम निवेदन है कि कृपया उन्हें पात्रता अनुसार प्रावीण्य प्रमाण पत्र प्रदत्त कर स्वर्ण पदक से अलंकृत करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ 2014 एमबीबीएस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कैंडिडेट जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं, गगनदीप सिंह सलूजा, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये बड़े सम्मान की बात है कि यह गोल्ड मेडल हमारे माननीय कुलपति महोदय जी ने अपनी माता पिता की स्मृति में दान दिया है। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मोहन शर्मा, मेमोरियल गोल्ड मेडल लेख आशुतोष श्यामा चरण गिरिना तिवारी मेमोरियल गोल्ड मेडल एवं डॉक्टर मधु अग्रवाल मेमोरियल गोल्ड मेडल, दीपिका पांडे, सन 2016 के लिए लेट श्री रामस्वरूप रामश्री देवी गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल डॉक्टर प्रीति शर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल एवं लेट आशुतोष श्यामा चरण गैरीनाथ तिवारी मेमोरियल गोल्ड मेडल। गुंजन सलूजा यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल फर्स्ट सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन एमबीबीएस 2013 एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल। यशस्वी पांडे कुमारी अस्मिता वर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल एवं लेट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना मेमोरियल गोल्ड मेडल। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय जी छात्रों को स्वर्ण पदक से अलंकृत कर उनका मान बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा जी एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि छात्रों को पात्रानुसार प्रावीण्य प्रमाण पत्र कर स्वर्ण पदक से अलंकृत करें। साक्षी ठाकुर, लेट आशुतोष श्यामा चरण गैरीनाथ तिवारी मेमोरियल गोल्ड मेडल, पुण्यजा सिंह, लेट श्री रमाकांत जी दवे मेमोरियल गोल्ड मेडल, सेजल बापना, लेट श्री रमाकांत जी दवे मेमोरियल गोल्ड मेडल 2016, खुशबू पारा सर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल फॉर डिप्लोमा, सचितेंद्र मिश्रा
यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन एमडीएस डॉक्टर सुप्रीत जैन, डॉक्टर राम तिवारी, डॉक्टर दीपक कुमार मंडल, बीडीएस में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए स्वाति साहू, लेट श्री नवरंग नारजी सिंगल मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन पेरियोडॉन्टिक्स, सोनिका नागदेवे फॉर 2016, डीएलए फॉर 2014, लेट श्रीमती विमला देवी दुनिया मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन पीडियाट्रिक्स, शैलजा हनुमंता, शारदा रचना आमिर, पोजीशन इन एमडीएमएस आयुर्वेद डॉक्टर निकिता पांडे, और फर्स्ट पोजीशन बीएमएस नीकू जयसवाल, फर्स्ट पोजीशन इन रक्षास्थ एंड रिसर्च कल्पना विष्णु पटेल, फर्स्ट पोजीशन इन बीएमएस 2015 आरजू परवीन, फॉर बीएससी नर्सिंग फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन लेट श्रीमती सीता साई सुंदर लाल पुजले गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल आसिमा बेटी, हेमपुष्पा चौहान, प्रियंका परिदा, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन एमएससी नर्सिंग जी दिव्या, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग राजकिशोरी लाकरा, हम आभारी हैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं माननीय कुलाधिपति महोदय जी से कि उन्होंने हमारे छात्रों को स्वर्ण पदक से अलंकृत कर उनका मान बढ़ाया, हमें अनुग्रहित किया, थैंक यू सर, थैंक यू। वास्तव में वर्तमान परिवेश में चिकित्सा व्यवसाय बहुत लगन परिश्रम और त्याग का काम बन गया है। चिकित्सा व्यवसायियों के लिए यदि मैं ये पंक्तियां कहूं तो अतिशयोक्ति ना होगी कि कविता करना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हमारे आदरणीय कुलपति और माननीय कुलपति दोनों के अथक परिश्रम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर को अपने श्रम सीकरों से सींचा है, जिनकी बदौलत
ये विश्वविद्यालय आज दीक्षांत समारोह सम्मेलन आप देख रहे हैं, जहां पर 38 छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला है और कई छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आयुष विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें बता दें आपको, केंद्रीय राज्य मंत्री रामलाल कौशिक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। इनका 3 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ में, बता दें आपको, स्वागत के लिए यहाँ पर सांसद रमेश बैस, राजीव अग्रवाल सहित कई नेता पहुंचे थे